वेलकम बैक टू लक्स परफेक्ट ब्राइड। हमें अफसोस है कि वृंदा आज विदाई की चौखट पार कर गई, लेकिन रूम्पा और पूजा के लिए मम्मी महल के दरवाजे अब भी खुले हैं और इन दोनों कन्याओं को एक और मौका मिल गया है मम्मियों के दिल जीतने का। साथ ही साथ एक और मौका मिला है अपना हौसला, अपनी हिम्मत और अपना हुनर दिखाने का, और ये मौका मिला है पॉन्स की तरफ से, यानी पॉन्स 7-day चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज दैट विल हेल्प देम फाइंड देयर ट्रू लव। इस चैलेंज में दोनों कन्याओं को कौन कौन सी कसौटी का सामना करना होगा, ये बताने से पहले ये जान लीजिए कि जो भी कन्या इस पॉन्स 7-day चैलेंज की विजेता होगी, उसे अपनी पसंद के कुंवर के साथ एक ऐसी मुलाकात का मौका मिलेगा जो ख्वाबों सी खूबसूरत होगी, जो ख्यालों से आगे की खुशियां देगी, और यह मुलाकात ऐसे लम्हों को अपने संग लाएगी जो हमेशा के लिए उस कन्या और कुंवर की यादों का हिस्सा बन जाएगी। अब चैलेंज क्या है यह सुन लीजिए। रूम्पा और पूजा में से किसी एक कन्या को अपनी पसंद के कुंवर के साथ एक गाना सुनाना होगा और किसी एक कन्या को अपनी पसंद के कुंवर के साथ सालसा डांस करना होगा। घबराइए मत, आप दोनों में से किसी को भी तुरंत कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट आपको मिलेगा 7 दिनों का समय और आपकी मदद के लिए ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स भी होंगे। अब आप दोनों में से किसे डांसिंग के चैलेंज का सामना करना है और किसे सिंगिंग के चैलेंज का सामना करना है, यह बताएंगे हमारे रिश्तों के पारखी। हमने ये तय किया है, चूंकि पूजा बहुत अच्छा गाती है इसलिए उन्हें गाना नहीं चाहिए, उन्हें डांस करना चाहिए। और रूम्पा जो है वो गाएगी हमारे लिए, वो हमारे लिए गाने गाएगी। अब दोनों कन्याओं को पॉन्स 7-day चैलेंज के लिए एक एक कोर को पसंद करना है, जिसके साथ उन्हें हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो कन्याओं बताओ, कौन है आपकी पसंद? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7 दिन अगर मिलना है किसी को, समझना है, तो उस हिसाब से भी मैं सोचूंगी, तो मैं हितेश का नाम लूंगी। ऑलराइट, रूम्पा ने चुना है हितेश को, पूजा आप बताइए। विवेक। 7 दिनों की ये मेहनत आपको 7 जन्मों के बंधन में बंधने का मौका दे रही है, तो आप लोग अपनी पूरी ताकत लगाइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो। पॉन्स 7-day चैलेंज जीतकर कौन जाएगा ख्वाबों से भी खूबसूरत मुलाकात के लिए, ये तो पता चलेगा 7 दिनों बाद। लेकिन पिछले 8 हफ्तों में किस कन्या ने किस मम्मी का दिल जीता है, ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम मम्मियों के साथ खेलने वाले हैं वो गेम जिसे कहते हैं मां की बहू कौन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फोटो फ्रेम के आधे हिस्से में कुंवरों की तस्वीर है और बाकी आधा हिस्सा खाली है। अब इस आधे हिस्से में कुंवरों की मम्मी जी अपनी पसंद की कन्या का फोटो लगाएंगी, उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो विवेक की मम्मी जी, सबसे पहले आप स्टेज पर आइए और जिस कन्या को आप अपने घर की बहू के रूप में देखती हैं उसका फोटो अपने बेटे विवेक के फोटो के साथ सजा दीजिए। विवेक, मम्मी की पसंद आपकी पसंद है या फिर आप किसी और को पसंद करते हैं? मम्मी ने तो रूम्पा का नाम दिया ही था थोड़ा जानने के लिए, मैं भी जान रहा हूँ, जानूंगा। अगर मम्मी ने कहा होता कि मुझे जान लो तो? वेरी गुड। अगर वो कहती तो फिर बात ही क्या थी। विवेक की मम्मी जी, आपने रूम्पा को क्यों चुना? रूम्पा को तो इसलिए भी क्योंकि अच्छी सुशील लड़की है, समझदार भी खूब है और होशियार भी है, उसको समझने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। यशदीप की मम्मी जी, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। यशदीप की मम्मी जी, आपने पूजा को चुना, इसके पीछे क्या वजह है?
जैसा मैं अपने भाव में गुण देखना चाहती हूँ, काफी गुण मुझे पूजा में दिखाई दिए थे, इसलिए मैंने पहले भी पूजा का नाम लिया था, आज फिर मैं उन तीनों में से पूजा को ही पसंद कर। पूजा क्या कहना चाहती हैं आप? शुक्रिया आंटी जी, बहुत अच्छा लगता है कि एक माँ ने मेरा नाम लिया। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके बहू बनने के गुण रखती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अवार्ड है और आई ट्राई टू कीप इट अप। थैंक यू। यशदीप, अपनी मम्मी की इस पसंद के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा है, माँ पसंद करती हैं। अच्छा है, माँ पसंद करती है, लेकिन आगे माँ को थोड़ी शादी करना है। आपको पसंद है कि नहीं? पूजा से मेरी इतनी एक बार मुलाकात हुई है, ज्यादा बातें भी नहीं हुई है। मिलने के बाद पता लगता है कि आप कितना जान पाते हो अगले को, कितना नहीं जान पाते। तो यशदीप, अब मौका है, आपको एक मुलाकात चाहिए। आप मैं टास जीतूंगा तो पक्का पूजा को लेके जाऊंगा। मुझे बस लगता है कि जो आपके दिल में है, आपने उसको सही वक्त पे और सही हिम्मत से, या जो भी कहो, चाहे आपने उसे बयान नहीं किया बिकॉज आप किसी और का मान रखना चाहते थे, किसी और का दिल रखना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपके दिल पर असर पड़ा, आपके पर्सनालिटी पे असर पड़ा और आप दबे गए। जब भी यशदीप को देखती हूँ मुझे बहुत दर्द होता है। यशदीप की मम्मी जी, आपने अपनी पसंद हमें बता दी है, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। हितेश की मम्मी जी, किसे चुनेंगी अपने घर की बहू, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हितेश की मम्मी जी, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। रिश्तों के पारखी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हितेश की मम्मी जी ने दो रुम्पा को चुना है। अब ये दो रुम्पा हम कहां से लाए? मतलब इस जन्म में रुम्पा और अगले जन्म में भी रुम्पा। जी, पर सब कुछ कितना बदल गया अगर आप ध्यान से देखें तो। अचानक यश के साथ पूजा है, अलग शो, और हितेश के साथ रुम्पा है और विवेक के साथ भी रुम्पा है, ये तो नजारा ही बदल गया यहाँ, सब कुछ, सारी इक्वेशन चेंज हो गया। पूजा, आपको फनी नहीं लगता है यहाँ पे? ना ही मुझे फनी लग रहा है, ना ही मुझे बैड लग रहा है। हितेश इज माय वेरी 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 डियर फ्रेंड और उनकी इस शुरुआत के लिए आई एम वेरी हैप्पी, एंड रुम्पा इज जस्ट लाइक अ सिस्टर, तो मैं इनके लिए भी बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रुम्पा, यू डोंट फील कि आपको एक, जैसे कहते हैं, somebody has moved away and you have moved in as a second replacement, आपको नहीं लगता है? Second choice मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आंटी ने शुरू से ही मेरा नाम लिया हुआ है और विवेक की मम्मी ने भी लिया हुआ है, तो ऐसा second choice मैं नहीं बोलूँगी इसको। ये तो situations हैं, circumstances ऐसे बन गए हैं कि मेरा नाम लेना पड़ रहा है या लिया है उन्होंने सोच के। और आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वहाँ पूजा की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? वो तो आपकी अब भी पसंद है ना? हाँ, पूजा भी मेरी पसंद है। पूजा ही आपकी पसंद है? हाँ, नहीं। तो उसको फिर से इस हफ्ते आपने बचाया भी है। हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि पूजा को हितेश अच्छे से समझ चुके हैं 8 हफ्तों में, अब रुम्पा को वो समझना भी चाहते हैं और उसको जानना भी चाहते हैं, और मैं हितेश को मौका देना चाहती हूँ कि वो उसको भी जाने। दोनों मम्मियाँ अभी रुम्पा को जानना चाहती है। रुम्पा, आप किसे जानना चाहते हो, हितेश या विवेक? बहुत ज़्यादा अर्ली होगा ये कुछ बोलना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस को जो मेरे अंदर रहता है वो पहले ही निकाल देती हूँ, तो अभी अगर है भी तो मैं नहीं बोलूँगी, आगे वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच हितेश की मम्मी जी, प्लीज टेक योर सीट। कन्याओं ने अपनी मर्जी बताई, मम्मियों ने अपनी पसंद बताई, कुंवरों ने अपनी बातें बताई, लेकिन एक कुंवर ऐसे हैं जिनके मन की बातें 8 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी सामने नहीं आ रही हैं। आज हम फिर एक बार उनके मन में झांकने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप यही बने रहिए, हम आते हैं बस कुछ देर बाद, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड। विवेक के साथ ये मिसिंग रहा इस शो पर, किसी के साथ वो अट्रैक्शन हुआ ही नहीं।